ये जी राड की तार जो है ये बिल्कुल पिघल गई है। अब इसको चेंज करना, तो इसको करते हैं जी पहले चेंज। वायर जी काट लिया, अभी इसका स्विच देखते हैं पुराने घर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो जी नाश्ता कर लिया है, तो अभी राड के लिए ढूंढते हैं एक अदर स्विच, यहाँ से तकरीबन मिल जाएगा, वो ढूंढ के लगाते हैं। उसके बाद भी जाना है ज़ियारत पे, वालिद और वालिदा की कब्र पे दुआ करने के लिए, वहाँ पे जाएंगे। तो आज जी आवाज़ चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही, क्योंकि मौसम तो ठीक है लेकिन हल्के फुल्के बादल ये देख लें आसमान पे, तो इस वजह से हमारे गांव में हवा बहुत ज़्यादा होती है। ये देख लें हवा हो रही है। अभी जी ढूंढते हैं सोच, सोच ढूंढने के बाद फिर जी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से खोल लेते हैं खिड़की, खिड़की खुल गई जी। ये देखें ये जी राबेल का बाउंसर का कवर, यहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। इनमें से देखते हैं जी कुछ सोच अगर तो मिल जाए मुझे। यहाँ पे वायर्स वगैरह हैं काफ़ी, इस तरह का अगर सोच मिल जाए तो क्या ही कहने, अल्लाह करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा इस पेटी से तो नहीं मिला जी, अभी अलमारी से देख लेते हैं। दूसरे कमरे में अलमारी है, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। दूसरे कमरे में अलमारी है, उसमें देख लेते हैं शायद उससे मिल जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जी परसों लकड़ियाँ हमने काट के रखी थी, अभी और भी रहती हैं। चारपाई को कर लेते हैं इधर, इस पे तो लगा हुआ है ताला, लेकिन ये खुल जाएगी इस तरह। देखेंगे यहाँ पे भी तमाम हथियार इन पेटियों में मौजूद है। सोच यहाँ से भी नहीं मिला जी, अभी एक और अलमारी इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करते हैं, अल्लाह करें अगर इसमें से मिल जाए। वायर्स तो यहाँ पे पड़ी हुई है, देखते हैं इसमें कोई ना कोई चीज़ मिली जाएगी। ये जी बगल में छोरा शहर में डंडोरा, वो सही कहावत है। यहाँ पे इसके साथ ही इनमें वायरों में पड़ी हुई थी तो मुझे नज़र नहीं आई है। अभी इसको ले जाते हैं जी, आज इस रूम की इंशाल्लाह करेंगे सेटिंग। पहले ज़ियारत पे जाएंगे वालिद वालिदा की कब्र पे दुआ के लिए, उसके बाद ये बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो सेट होने वाला है, और कीमती सामान है ऐसे ही पड़ा हुआ है। हर दफ़ा मैं आता हूँ तो रह जाता है आजकल। ये देखें बहुत ही प्यारा सामान और कीमती सामान, ये चीज़ें फिर बाद में ख़रीदनी पड़ती हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इस वजह से इसका आज इंशाल्लाह करेंगे सेटिंग अच्छी सी, तो आपको भी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी जी ले जाते हैं वायर, किधर गई किधर गई किधर गई, फिर गुम हो गई। किधर रह गई ये। राबी राबी ये जी स्विच खोल दिया, अभी इसको लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना राड हो गया है रेडी, अभी इसको लगा के करते हैं चेक, क्योंकि बिजली भी जाने वाली है, 10 बजे बिजली चली जाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है जी, 2 मिनट रह गए, जल्दी से चेक कर लेते हैं राड। स्विच तो कर दिया है जी ठीक, लेकिन ये वाला जो है ये देखें बिल्कुल पिघल गया, इसको भी अभी करना पड़ेगा चेंज। बिजली अभी जाएगी तो इसको भी अभी जी इस स्विच को निकालना है, ये वाला जो स्विच है इसकी जगह नया वाला लगा देना नया में।
माशाल्लाह जी। टंकी में चेक करते हैं जी पानी कितना है। थोड़ा सा ही रह गया, पानी भी लगाना पड़ेगा। उसको करते हैं जी बंद और चलते हैं जी कब्रिस्तान, चलते हैं जी दुआ के लिए और फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सड़क से तकरीबन 30-40 सेकंड लगते हैं अपने घर पहुंच जाते हैं मेन सड़क से। यहाँ पे ये ऊपर है, ये है जी हमारा कब्रिस्तान। इस साइड से भी रास्ता है, ये जी बकरियों का रेला आ रहा है जी। ये सड़क जा रही है नीचे हिमालय की तरफ और ये है जी हमारा द्राई नीलम। ये सामने सप्लाई है और इससे देवलियाँ कहते हैं परला, वो सामने जहाँ पे धूप अभी नहीं आई है वो है देवलियाँ हमारा मेन बाज़ार। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो ये जी ज़ियारत का रास्ता, यहाँ से जी ये जो आपको मिट्टी खुदाई हुई नज़र आ रही है ये लेके जाते हैं चूल्हे वगैरह मांझने के लिए और बनाने के लिए, इसे लस मिट्टी कहते हैं हम। यहाँ से जी ये रास्ता शुरू हो जाता है, ये हमारी ज़ियारत है माशाल्लाह कब्रिस्तान। हम ज़्यादातर ज़ियारत ही कहते हैं, कब्रिस्तान तो कहते ही हैं। ये जो सामने कब्रें नज़र आ रही हैं ये हमारे ख़ानदान की हैं। फर्स्ट फर्स्ट वाली जो है ये मेरे दादा अबू की है, उसके बाद ताई जान है, मेरा कज़न है, उसके बाद मेरे वालदा हैं और वालिद की है, और फिर दादा जान की है, दादी जान की। तो अल्लाह पाक इन सब पे अपना रहम और करम फरमाए। दुआ करते हैं जी और दुआ के बाद फिर चलते हैं। ये राजी हमारा प्राइमरी स्कूल, डबल मंजिल है। और ये जो ये जगह है इससे आगे भी एक गांव है, मिनगरा नाम है उसका। यहाँ से जी पावर प्रोजेक्ट, माशाल्लाह आसमान कितना प्यारा लग रहा है कम्बिनेशन इसका माशाल्लाह। ये जी कब्रिस्तान हमारा, ये सनाथे का दरख्त है, ये जो नीला नीला नज़र आ रहा है आपको, इसकी लकड़ियाँ भी हम जलाते हैं। और ये है जी को, ये सारा साल नीला ही रहता है, सूखता नहीं है, इस तरह का होता है, बड़ी मज़बूत लकड़ होती है इसकी। और ये जी हमारा ये जो घर नज़र आ रहे हैं आगे आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ये नीचे मल्ला है हमारा अवान मल्ला। बाकी माशाल्लाह आसमान देखें जी कितना प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। गांव की अब हवाई का अपना ही मज़ा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी दुआ करके वापस आ गए हैं, अभी यहाँ पे खड़े हैं जी। नज़ारा पीछे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। गर्मियों में यहाँ पे बैठने का बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे गर्मियों में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, दरिया बिल्कुल देखें सामने, यहाँ से बहुत ही प्यारी हवा आती है। ये को का दरख्त है, सूरज बिल्कुल अभी सर पे है और इसके नीचे बैठ के ये देखें हवा अभी भी कितनी तेज़ चल रही है, हवा आवाज़ में भी कोई गड़बड़ आ रही होगी आपको, तो बहुत ही मज़े की हवा आती है यहाँ पे। अक्सर हम लोग आके बैठते हैं यहाँ पे। ये सामने है जी गांव, यहाँ पे भी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, ये जहाँ से धुआं उठ रहा है किसी चीज़ को आग लगाई हुई है मेरे ख्याल से। तो यहाँ से जी हम जाते हैं, ये हमारी सड़क जा रही है तकरीबन 3 किलोमीटर, वहाँ से घूम के फिर वो नीचे से देखें आ रही है, वो जा रही है यहाँ पे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े, ये एक तो यहाँ पे रहते हैं फौजी, फौजियों की जो है ना ट्रेनिंग की जगह। फिर सामने जी है जी हमारा मेन बाज़ार है देवलियाँ, मुजफ्फराबाद से पीछे तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है ये। आप लोगों में से अक्सर लोग आते होंगे यहाँ पर सैर के लिए, तो ये देवलियाँ से गुजर के ही जाते होंगे, पीछे नीलम नुसैरी वगैरह इस तरह। और वो देखें जी ये चोटी है जो, ये इसका नाम है चुगली, ये चुंज पहाड़ियाँ में इसका, अभी देखें इस पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। ये वाली जो जगह है ये वाली, ये इसे कहते हैं चुगली। इंशाल्लाह कभी विज़िट करवाएंगे नेक्स्ट टूर में, इस बार तो नहीं हो सकेगा। तो बहुत ही प्यारी मज़े की जगह है। तो बाकी यहाँ पे जी ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये स्लाइड बनी हुई है, पहले यहाँ पे बिल्कुल स्लाइड नहीं थी, तो ये स्लाइड इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से बनी हुई, वहाँ पे ऊपर खुदाई हो रही थी तो अभी ये काफ़ी ख़तरनाक स्लाइड हो रही है। बारिशों में बहुत मसला करती है, ज़रा सी बारिश हो तो इसमें पानी आ जाता है दल दल सा, तो बड़ा मसाइल होते हैं। ये देखें पहले जो दरिया जो है वो यहाँ से वो
गुजर के ये इसके पीछे से आता था और अभी इसकी वजह से, स्लाइडिंग की वजह से बिल्कुल उस पार चला गया। ये है जी हमारा मदरसा, ये जो ऊपर नज़र आ रही है छोटी सी बिल्डिंग आपको, यहाँ पे हम पढ़ा करते थे। जलजले से पहले तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मदरसा हुआ करता था, अभी ये बस मस्जिद ही रह गई है। बाकी मुजफ़्फ़राबाद शिफ्ट हो गया इसका सारा हमला। अभी चलते हैं जी, हाफिज़ साहब को कमेटी देनी है तो कमेटी देने चलते हैं हाफिज़ साहब के पास। जी ताया जान ने नई दुकानें बनाई हैं, इसके नीचे रूम है और ऊपर ये दो दुकानें हैं, इसमें एक में गाड़ी खड़ी होती है, दूसरा खाली है। अभी पहले जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ था तो उन्होंने ली हुई थी किराए पे, एक में गाड़ी खड़ी करते थे, एक में वो मज़दूर वगैरह रहते थे। तो अभी वो काम तो ख़त्म हो गया, अभी यहाँ पे अभी बनाई है, तकरीबन एक साल अभी नहीं हुआ है। तो ये ताया जान की, ये है जी हमारी दुकान इकबाल साहब की, यहाँ से हम सौदा सलफ ख़रीद लेते हैं। ये अभी खुली हुई नज़र आ रही होगी आप जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान से वापस आ गए थे, तो अभी जी टाइम हुआ चाहता है खाने पीने का। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।